हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त। दोस्तों, क्या आप कभी मार्केट गए हो? और अगर आप मार्केट गए होगे तो आप फलों की दुकान तो जरूर देखते होगे। तो फलों की दुकानों में आप कई तरह के फल देखते हो, जैसे आम, केला, लीची और संतरा। तो दोस्तों, क्या आपने संतरा खाया है? अब आप पूछोगे कि मैं संतरे के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ। मैं संतरा के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो हमारी होने वाली है संतरे पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम संतरे की खेती करते हैं। तो है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग? चलो दोस्तों, सीखते हैं संतरे की खेती। तो सबसे पहले हम खाद को पिकअप में लोड कर लेते हैं। इस खाद को हम खेत में डालेंगे, जिससे कि हमारा खेत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और हमारी फसल को भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो अब हम आ चुके हैं खेत पे। खेत पे इस खाद को अब हम इधर उधर खेत में डाल देंगे। अब बारी है हैरो चलाने की। अब हम हैरो को चलाएंगे और अब देखो किस तरह से हमारा खाद खेत में मिक्स हो चुका है। अब बारी है खेत में संतरे के पौधे लगाने की। ये हमने संतरे के पौधे गाड़ी में लोड कर लिए हैं। अब हम खेत में संतरे के पौधों को लगाएंगे। अब यह मशीन संतरे के पेड़ को लगाने के लिए। अब इस मशीन से हम पूरे खेत में जहां जहां जरूरत है पेड़ लगा देंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने पेड़ को लगा दिया है ना दोस्तों, मजेदार। और यहाँ पर कुछ पेड़ तिरछे हैं, चलो इन्हें सीधे करते हैं। अब ये एक पेड़ सीधा हो गया। इस तरह सभी पेड़ सीधे हो चुके हैं। अब बारी है खेत में पानी देने की और खाद डालने की। तो खाद और पानी हमने गाड़ी में लोड कर लिया है ना दोस्तों, मजेदार। अब आगे हैं हम अपने खेत पे और ये है वाटरिंग मशीन। इस मशीन में हम खाद और पानी को मिक्स कर देते हैं। और जब खाद पानी मिक्स हो जाएगा और इसे हम अपने खेत में डालेंगे तो खेत बहुत ही ज्यादा जल्दी हमारी फसल को ग्रो करता है। ये पता है ना आपको बच्चों? अगर नहीं पता है तो आपको अब पता चल गया है। वो इस तरह से हमारी खेत बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। और ये है हमारी कटिंग मशीन। इस कटिंग मशीन से हम संतरे के पेड़ की एक्स्ट्रा टहनियों को काट देते हैं जो सूख चुकी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा पेड़ बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। तो अब हमारे पेड़ों में बहुत ही अच्छे से फूल आ चुके हैं। अब लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके बाद अब हम खेत को और पोषक तत्वों की जरूरत है उन्हें देंगे और खेत को स्प्रे करेंगे, जिससे कि हमारे खेत में संतरे लगने लगेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे खेत में स्प्रे को कर दिया है और पूरे खेत में संतरे बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुके हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो, है ना दोस्तों, मजेदार। तो क्या आपने संतरे खाए हैं? अब हम संतरे के खेत में ह्यूमिडिटी और मिनरल्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर वाटर की कमी है। अब हम खेत में अपने वाटर को ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारे संतरे पक जाएंगे। तो अब हम वाटरिंग मशीन से खेत में वाटर देंगे। तो यहाँ पर किस तरह से पानी के साथ साथ संतरे बड़े हो रहे हैं। और यह है हमारी संतरे को काटने के लिए मशीन। इस मशीन से हम सभी संतरों को खेत से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ पेड़ से संतरे अलग कर लिए गए हैं, है ना दोस्तों, मजेदार। अब इसके लास्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इन्हीं संतरों से हम जूस बनाते हैं। तो बच्चों, क्या आपने ऑरेंज जूस पिया है? पिया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से हम सभी संतरों को लोड करके मार्केट ले जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।